हम सब यहाँ? हाँ पोपट भाई, हम यहाँ से किसी को ले जाने के लिए आए। किसे? अरे बुलबुल भाभी को, आज शादी के लिए वो हमारे घर से तैयार होकर आएंगे। चलो चलो बुलबुल, और हाँ अब तुम पोपटलाल भाई को सीधे शादी में ही मिलोगी, ओके? अरे भाई मजाक बहुत हो गया, अभी जाके पोपटलाल को तैयार करना है कि नहीं करना है? हाँ हाँ चलो चलो जाते हैं। अरे बापू जी, हम लोग पोपटलाल के घर पे जा रहे हैं उसको तैयार करने, आप आ रहे? नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। हाँ ठीक है बाबू, आइए आइए। पता नहीं ये राहुल ने वहां से फ्लाइट पकड़ी है या नहीं, कब पहुंचेगा यहाँ, क्या करूं दोस्त, वक्त सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भाग रहा है, कुछ रास्ता दिखा? ये देखो पत्रकार जी अभी भी छाते से बात कर रहे हैं। छोड़ो छोड़ो छाता। अरे पोपटलाल भाई तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी बीवी घर पे आने वाली है, अभी भी छाते से बात कर रहे हो, छोड़ दो छाते को। भिड़े भूल गए ना, ये सिर्फ एक छाता नहीं है, ये मेरे सुख दुख का साथी है, जीवन की हर धूप छांव मैंने इसके साथ काटी है। ये सब जानने के बावजूद भी आप लोग मुझे इसे छोड़ने को कह रहे हैं? अरे हम लोग नहीं भाई, ये भिड़े भिड़े। हाँ ये अरे मैं तो भिड़े। ओ ए भाई क्षमा स्व माफी असावी, लेकिन पत्रकार जी अभी आपकी शादी होने जा रही है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? डर लग रहा है। तो शादी कैंसिल? अब तो शादी कैंसिल क्या बोल रहे हैं भाई, और पोपटलाल इस पर डरना कैसा? आत्माराम इधर का डर नहीं, नर्वसनेस बोलते हैं। अरे शादी वाले दिन अच्छे अच्छे लोग नर्वस हो जाते हैं, मैं खुद हो गया था। हाँ आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि मेरी शादी हो रही है। हाँ जडालाल मेरा ये पोपटलाल के जैसा नहीं था कि शादी हो ही नहीं रहा था। अरे बबीता पहला लड़की था जो मेरे को देखने को आया था और उसने मेरे को पसंद किया था। बबीता जी सामने सबको देखने आए थे? हाँ बबीता ने मेरे को देखा, झट से पसंद किया और फटाफट हमारा शादी हो गया। हाँ फिर तो नर्वस होंगे ही ना कि मैं कैसे पसंद आ गया। क्या बोले तुम? ओए यारो अब मैं अपनी सुनाता हूँ, और मैं तो अपनी शादी में बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ था भाई। सॉरी तुम्हारी तो बात ही अलग है ना, तुम तो अपनी शादी में भी पार्टी समझ के गए होंगे। ओए शादी क्या, अपनी तो सारी जिंदगी पार्टी है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी को यह सूचित करता हूँ कि हम पत्रकार पोपटलाल जी को अभी नहलाते हैं और उसके बाद शादी के लिए तैयार करते हैं। चलिए चलिए। एक मिनट एक मिनट, क्या नहलाते हैं, मैं खुद जाकर नहा लूंगा। पक्का? हाँ पक्का मेहता साहब पक्का। अभी ठीक है फिर, ठीक है। अरे आ गया भाई पोपटलाल, मैं भी आ गया। एकदम सांस फूल रही है, आराम से बैठ जाइए भाई। थैंक यू। अरे अब्दुल बैठ जा। ये अच्छा है भाई चारा, और कोई चारा ही नहीं है भाई। कितनी बड़े लगते हैं। हाँ भाई पोपटलाल, पोपटलाल कहाँ है? वो नहाने गए। चल हम भी आराम से बैठे। कितना नहा रहा है? मुझे तो डर है कि बिल्डिंग की टंकी खाली ना कर दे, इसलिए मैं कह रहा था कि हम लोग नहलाते हैं इसको, एक बाल्टी में काम तमाम कर देते। मेरे इस वक्त क्या सब्जेक्ट लेके बैठ गए भाई, कितने सालों बाद उसकी जिंदगी में मौका आया तो नहाने तो नहाएगा थोड़ा सा। अरे मेहता साहब आप मेरा टेंशन समझ नहीं रहे, शादी में मेहमान आने वाले हैं, एंड टाइम अगर पानी खत्म हो गया तो कहाँ से लाएंगे? अरे छोड़ो यार, शावर बंद हुआ। आएगा आएगा भी आएगा। हो गया हो गया हो गया। नहा लिए पोपटलाल? अरे हाथी भाई आप कब आए? आप जब नहा रहे थे तब मैं आया। आप भाई आज इसकी शादी है ना, इसकी। अरे भाई कितना टाइम लगा रहे हो नहाने में? अरे भाई जेठालाल
अरे भाई हमारे पत्रकार जी के लिए कुंवारेपन का आखिरी स्नान था तो वक्त तो लगेगा कि नहीं यार। लेकिन एक बात है पोपटलाल जी, हमारे दूल्हे राजा नहा के एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। चमकेंगे कैसे नहीं मेहता साहब, मेरे दिए हुए केसर चंदन के साबुन से जो स्नान किया है। क्या बात है। अब्दुल चलो अभी शेरवानी पहना इनको। तैयार होने से पहले मैं डूबते हुए सूरज के दर्शन करना चाहता हूँ। अरे भाई उगते हुए सूरज के दर्शन किए जाते हैं, डूबते हुए सूरज के नहीं। सही बात है। वो क्या है कि मेरे कुंवारेपन का आखिरी सूर्यास्त है ना, तो इसलिए मैं डूबते हुए सूरज के दर्शन करना चाहता हूँ। कुंवारेपन का आखिरी स्नान, कुंवारेपन का आखिरी सूर्यास्त है। हो गए भाई इतने सालों से। राहुल आज टाइम पे नहीं आया तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। ये राहुल का फोन क्यों नहीं लग रहा, क्या करूं? शायद उसने बुलबुल को फोन किया हो। बुलबुल को फोन ट्राई करता हूं। मस्त है ना? ये देखो बुलबुल, ये कितना सुंदर है। पेंसिल खरीदा है। ये देखिए मैचिंग एकदम। ये देखो जोड़ा, देखो शादी का। कैसा है? अच्छा है। तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। अरे फोन आया, पोपट भाई का फोन। हेलो पोपट भाई। अंजलि भाभी ने क्यों फोन उठाया? फोन कट हो गया। क्या करूं? मैंने फोन तो करना ही पड़ेगा। कितनी बेचैनी है। हेलो पोपट भाई। अंजलि भाभी, वो बुलबुल से जरा एक मिनट बात करनी थी। बुलबुल से बात करनी है? पोपट भाई बुलबुल से बात करने के लिए जिंदगी पड़ी है। फिलहाल आप फोन रखिए, हमें उसे तैयार करना बाकी है। बाबा रखिए रखिए, बाद में बात कीजिएगा। सुनिए सारा सुनिए, कैसे पता चलेगा कि राहुल वहां से निकला है कि नहीं? चलो पोपटलाल, दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। लो आ गए भाई पोपटलाल। आओ भाई आओ। मजा आया? डुबा दिया सूरज का? डूब गया अब सब। तभी फाइनली शेरवानी पहनोगे? अरे भाई पूछो मत भाई, पहनाओ, हमको भी फिर तैयार होना है ना। नाना बटी रे साजन तैयार था, ये तो शेरवानी फिर से नीचे धोतियू फिर से ऊपर साफो रे बांसे पगमा मोजड़ियू चढ़ाव से। नाना वटी रे साजन तैयार थई गया, केवी शेरवानी लागे नीचे मोजड़ी सरस लागे, माथे साफो पेरी रे तैयार थई गया। वाह वाह वाह, मस्त मस्त तैयार किया नहीं हम लोगों ने। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। पपड़लाल सच में एक बात कहूँ, तुम शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे तो उसमें कंप्लेन क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं जेठालाल, असल में अय्यर भाई कंप्लेन नहीं कर रहे, असल में अय्यर कंफ्यूज हो गया है कि शेरवानी अच्छी है पोपटलाल। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप क्या मजाक कर रहे हैं, मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। पोपटलाल तुम शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे हो। सही बात है पोपटलाल, शेरवानी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लेकिन पोपटलाल अभी मेहरबानी करके शेरवानी के ऊपर अपनी वो पत्रकार वाली जैकेट मत पहनना भाई। हाँ चलो पोपटलाल तुम्हारी एक तस्वीर खींचता हूँ। अरे भाई पोपटलाल की अकेले की तो फोटो खींचने दो। अरे तो भाई ऐसा बोलना है यार, तू बोल रहा है एक और, मुझे लगा वो वाली अच्छी नहीं आई। हाँ चलो रेडी, 1 2। पोपटलाल स्माइल तो करो यार, स्माइल स्माइल।
रेडी, एक दो ताड़े मारे। आयशा बाबा फोटो खींच गए बड़े मास्टर। चलो पोपटलाल तुम यहीं बैठो, हम लोग भी अपने घर तैयार होने जाते हैं। हाँ भाई हमको भी तैयार होना है। तो पोपटलाल अभी तुम तैयार हो गए हो, आराम से इधर बैठो, टप्पू सेना आएगी तुमको मंडप तक ले जाने के लिए, ठीक है? तब तक है ना आराम से मजा करो, टीवी पे भी देखो, शांति से योगा बोगा करो कुछ एकदम। कुंवारेपन की आखिरी शाम, पूरा जिंदगी का सब जो सब याद करो। चलो भाई चलो, हम तैयार हो गए। चलो चलो चलो। हाँ पत्रकार जी बोलिए। बुलबुल राहुल का फोन आया, कुछ पता चला वो वहाँ हांगकांग से निकला या नहीं? नहीं पत्रकार जी, अब तक कोई बात नहीं हुई है राहुल से। हे भगवान, इन्होंने तो मुझे पूरा दूल्हा बना दिया है। बुलबुल अब क्या करेंगे? हमने आपसे कहा ना, भोलेनाथ जी की जो इच्छा होगी उसे हम स्वीकार कर लेंगे। मुझे लगता है हमें भाग जाना पड़ेगा। अरे पोपट भाई अब इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? दादा भाभी मर गया। शादी के बाद हम सब आप दोनों को थोड़े दिन के लिए दूर भगाने ही वाले हैं, समझे? आप पहले मुझे ये बताइए आप तैयार हुए कि नहीं? मैं तैयार हो गया हूँ दया भाभी, वो जरा एक मिनट बुलबुल से बात करवाइए ना। नहीं 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 पोपट भाई, अब तो आप बुलबुल भाभी को शादी के मंडप में ही मिलेंगे। चलो भाई। सुनिए सुनिए भगवान क्या करूँ? दोनों कब से बातें कर रही हैं? पोपट भाई का फोन था वापस। पोपट भाउजी से कहीं खरा नहीं आज, कब से फोन कर रहे हैं? चलो चलो दया भाभी बुलबुल भाभी को भी तैयार करना बाकी है। कुछ चाहिए तो बोल देना, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अरे वाह टप्पू सेना रेडी हो तुम लोग? ओहो गोलिया ये तो पहचान में नहीं आ रहा है। थैंक यू। अरे तुम लोग रेडी तो पोपट को लेके आओ ना, वो टप्पू और गोगी के वेट कर रहे हैं। हाँ तो वो आ जाएंगे पीछे पीछे, तुम लोग जाओ। ओके चल। ओ मिडू और चिंता मत कर, अभी पप्पू को उठा के लेके आता हूँ। ए भाई उठा के नहीं लाना है भाई, उसकी शादी है, आ जा। मैं तो मजाक कर रहा था यार। चलो 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 बच्चों पप्पू को लेके आते हैं। एक बार और राहुल को फोन ट्राई करता हूँ। टप्पू जल्दी आना, टप्पू मर गए, आ गए ये लोग। ओ पप्पू मेरे यारा क्या सोच रहा है, और चल नीचे सल्तरा इंतजार कर रहे हो? क्यों पोपट अंकल आपकी बारात निकालने का वक्त हो गया है, चलो जल्दी। चल चलो। ये जो किया ना अभी मैं थोड़ा सा खर्चा हो गया अपना सोसाइटी का, लेकिन 125 रुपए मिलते हैं। खुशी उत्साह है। बापू जी जबरदस्त है ना सब। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, आज सोसाइटी दुल्हन की तरह सज गई। फिर से शादी करने का मन हो रहा है, बस बहुत बढ़िया सब। अरे भाई पोपटलाल दुल्हन ला रहा है तो सोसाइटी भी दुल्हन की तरह सज गई आज। सही बात है। वैसे एक बात है भिड़े, आज तो तुम भी जच रहे हो। तुम भी मतलब? नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब आज भी तुम जच रहे हो। थैंक यू माता, थैंक यू। अरे हाथी भाई
आपसे कहा था ना मैंने कि मेहमानों के खाने का इंतजाम करना है, खुद के खाने का नहीं, इसलिए उनके लिए भी कुछ बचा के रखना भैया। मेहता साहब आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा कोटा है, मेहमानों के लिए अलग से है। तो टेस्टिंग चल रहा है, टेस्टिंग है ना। ओ, आ गए हमारे वीडियोग्राफर। ओहो बराबर करना यार भाई, शूटिंग एकदम बढ़िया। मैं तो कहता हूँ आप है ना पहले अगस्सी पे जाके करो, ऊपर से पूरी सोसाइटी अच्छी लगेगी। यार भाई मेरा लड्डू खाते हुए। बैटरी बचानी है। आराम से। अरे आपका उंगली आगे आ रहा है। अरे भाई बराबर करना सब एकदम, देखो चकाचक सब शूटिंग करना वीडियो। झाड़ा लाल शूटिंग कैसा करना ये तुम मेरे को मत सिखाओ। क्या हो गया, क्या खाके? अरे खाली बोल रहा हूँ भाई। शुभ अवसर है, जरा शांति रखो। सेठ जी आराम से संभालना नटू काका। आराम से देख क्या बेटा। अरे ये क्या है, इतना बड़ा तोहफा क्यों लेके आए आप लोग? अरे सेठ जी जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा तोहफा। आज कितने सालों बाद पोपट भाई की शादी का दिन है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। अरे वो बराबर है, लेकिन इतना बड़ा तोहफा कोई देता है? इतना बड़ा तो हम लोग भी कोई नहीं देने वाले हैं। क्या है क्या इसमें? एलईडी टीवी। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? तुम लोगों को मैंने 5,000 गल्ले में से निकालने को बोला नए कपड़े खरीदने के लिए, तो तुम लोग तो पूरा एलईडी टीवी उठा के लेके आए दुकान में से। अरे अक्कले अक्कले बागा। सेठ जी पूरी बात तो सुनिए। अभी सुनने जैसा रखा ही क्या है? नहीं इसमें एलईडी टीवी नहीं है। अभी तू नहीं बोला ना एलईडी टीवी, अभी खुद बोल रहा है एलईडी टीवी नहीं है। नो 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 सेठ जी, Before completing his sentence, you jumped between. अरे मेहरबानी करके अभी अंग्रेजी छोड़ो, जो बोलना हिंदी में बोलो। मैं समझाता हूँ सेठ जी। समझाओ। ये सिर्फ एलईडी टीवी का बॉक्स है, इसमें 12 अलग अलग कलर की छतरी है और 2 कवर है जिसमें 101 101 के 2 मोबाइल रिचार्ज है। ऐसा बोलो ना भाई, एक सेकंड के लिए मुझे तो लगा है। और वैसे भी सेठ जी आपको पूछे बिना इतना महंगा टीवी अपनी दुकान में से हम कैसे किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं? हाउ कैन इट इज पॉसिबल विदाउट योर परमिशन? वही वही, लेकिन मुझे लगा अचानक क्या हो गया भाई तुम दोनों को। वैसे तो समझदार हो फिर भी कुछ बोल नहीं सकते आजकल। ये जवाई राजा कहाँ है? अरे टपू सेना उसे लेने गई है, आती होगी। अरे टपू सेना। हेलो भाई। अरे पोपटलाल। ओ पोपटलाल। लो लो घोड़ा आ गया, लेकिन घोड़े पे बैठने वाले का पता नहीं है। अरे पोपटलाल घोड़ा भी आ गया है, लेकिन ये डिब्बा इतना टाइम क्यों लगा रहा है? पोपटकल आ रहे हैं, पोपटकल आ रहे हैं। अरे वाह वाह। अय्यर भाई का अय्यर। अरे ओ अय्यर भाई, उधर हरे पोपट का शूटिंग क्या कर रहे हो? अब इधर लाल पोपट आएगा। पोपटलाल बाबूजी। हाँ। पोपटलाल आएगा, उसका शूटिंग करो जल्दी, उसकी एंट्री होगी जल्दी। आओ आओ भैया। और बोल रहे मुझे सब मालूम है, मुझे मत सिखाओ क्या। अरे जाओ उधर उधर। अरे हमको नहीं भाई, उधर अरे माधवी पोपट भौजी कितना दिखता है। पोपट भाई को किसी की नजर ना लगे। हेलो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स। जी 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 दिस इज तारक मेहता फ्रॉम इंडिया, गोकुलधाम सोसाइटी मुंबई।
जी आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, असल में यहाँ आधे घंटे बाद एक ऐसी अनोखी शादी होने वाली है जिसका दूल्हा अभी तक तय नहीं है। Let me speak in English. Yeah, yeah. We are going to have a marriage here just after half an hour. In that marriage, who would be the groom? Nobody knows. I'll email you. Yeah, thank you, sir. Thank you. अनोखी शादी भाई, जो दुनिया में नहीं होता वो गोकुल धाम में होता है। अब देखिए ना, एक ऐसी शादी होने वाली है यहाँ पे कुछ देर बाद जिसमें सब कुछ तय है, बाराती तय है, जगह तय है, मंडप तय है, दुल्हन तय है, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये तय नहीं। अब देखिए तो वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता चला जा रहा है। अब पोपटलाल की शादी होगी या नहीं, राहुल आएंगे या नहीं, सबको सच पता चलेगा या नहीं, बहुत सारे नहीं यहाँ पे प्रश्न बन के खड़े हैं। वैसे चिंता मत कीजिए, बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।